दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में। दोस्तों इसके अंदर मैं किसी एक पोएट की बायोग्राफी को नहीं बताऊंगा बल्कि चार लीडिंग पोएट्स, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के चार लीडिंग पोएट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें निज़ाम इज़िकिल, कमला दास, जयंत महापात्र और ए के रामानुजन शामिल हैं। तो दोस्तों इन्हीं चारों की बायोग्राफी को थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जब इंडियन राइटर्स ओरिजिनली इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, कोई लिटरेरी वर्क अपना लिखते हैं, तो उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन हमारे इंडियन इंग्लिश में लिखने वाले राइटर्स के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। ऐसे ही बहुत सारे इंडो एंग्लियन राइटर्स ने बहुत सारी पोएट्री इंग्लिश लिटरेचर को दी है हमारे इंडो एंग्लियन राइटर्स ने। हमेशा की तरह बहुत सारी ऐसी ही नई नई चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इंडो एंग्लियन और एंग्लो इंडियंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको एक मत समझ लेना। एंग्लो इंडियन अलग चीज़ होती है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडो एंग्लियन राइटर्स की। इसमें आज हम इंडिया के चार बड़े पोएट्स, चार बड़े इंडो एंग्लियन पोएट्स की बात करेंगे। सबसे पहले निज़ाम इज़िकिल, दूसरी कमला दास, तीसरे ए के रामानुजन, तीसरे जयंत महापात्र। ये चारों ही दोस्तों इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। यानी कि इन चारों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक नए टाइप का पोएटिक लिटरेचर शुरू किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। 1947 से पहले तो सारे पॉलिटिक्स में उलझे हुए थे, उसके बाद ही जाकर के एक नए टाइप का लिटरेचर निकल करके आया इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं निज़ाम इज़िकिल की। निज़ाम इज़िकिल को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में लीडिंग पोएट माना जाता है। इनका जन्म हुआ था बॉम्बे 1924 एक ज्यू फैमिली में और एजुकेशन हुई एंटोनियो डिसोजा हाई स्कूल, विल्सन कॉलेज और लंदन से। और 1952 में ये इंग्लैंड से इंडिया लौट कर आए और बॉम्बे में प्रोफेसर का काम किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में ये जाया करते थे और वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पोएट्री को ये वहाँ सुनाते थे। 1975 में इनविटेशन आने पर ये ऑस्ट्रेलिया भी गए और ये ललित कला अकेडमी और साहित्य अकेडमी में जनरल काउंसिल के मेंबर भी थे। इसके अलावा ये सिर्फ पोएट नहीं बल्कि एक ग्रेट क्रिटिक और पॉलिटिशियन और ड्रामेटिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत सी जगहों पर अपने हाथ आजमाए लेकिन प्राइमरीली ये एक पोएट थे। 1983 में साहित्य अकेडमी कल्चरल अवार्ड इनको मिला और पद्मश्री भी मिला 1988 में। 2004 जनवरी के महीने में अल्जाइमर से इनकी डेथ हुई और इनके वर्क्स थे पोएट्री में। सबसे पहला इनका वर्क था द बैड डे 1952, उसके बाद जो चलने वाला वर्क था टाइम टू चेंज 1952, जिसे इन्होंने लंदन में ही पब्लिश करवाया था। फिर 60 पोएम्स 1953 बॉम्बे में पब्लिश करवाया था, द थर्ड 1959 बॉम्बे में, द अनफिनिश्ड मैन 1960 और सबसे ज़रूरी वर्क द एग्जैक्ट नेम 1965। दोस्तों द एग्जैक्ट नेम में ही, इस बुक के अंदर ही वो निज़ाम इज़िकिल की फेमस पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। फिर हिम्स ऑफ डार्कनेस 1976 और कलेक्टेड पोएम्स। बाकी मैगजीन्स के अंदर भी इन्होंने अपनी बहुत सारी पोएट्री को पब्लिश करवाया था। यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँ, ये अपनी जवानी में थे विदेशों में, तो जब तक जवानी थी इन्होंने अपनी पोएम्स को लिखा एक स्ट्रिक्ट मीटर और राइम स्कीम को फॉलो करते हुए। इन्होंने वेस्टर्न ट्रेडिशन की तरह अपनी पोएट्री को लिखा क्योंकि ये वेस्टर्न लोगों के बीच में थे, लेकिन इंडिया आने के बाद ये इंडिया के माहौल में ढल कर फ्री वर्ड्स में लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। ड्रामाज इन्होंने लिखे थे नालिनी, मैरिज पोएम और द स्लीप वॉकर, और भी एक दो लिखे थे। इनका एक पोएट्री कलेक्शन था लेटर डे सॉन्ग्स, इसके लिए 1983 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो ये ध्यान देना दोस्तों, लेटर डे सॉन्ग्स। इनकी पोएट्री की बड़ी सिंपल थीम्स होती थी जैसे लव, सेक्स, डेथ, लोनलीनेस, और इनको बहुत से क्रिटिक्स फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी हमारी ऑथर हैं कमला दास। कमला दास इंडियन इंग्लिश पोएट्री में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। कमला दास की खास बात यह होती थी कि वो खुद के बारे में पोएट्री लिखती थी, अधिकतर वो खुद के बारे में लिखती थी, खुद के डिजायर्स ऑफ लव के बारे में, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और रिलेशनशिप के बारे में। अब ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी बात, कमला दास का शादी से पहले नाम था माधवी कुट्टी, ये बहुत ही ज़रूरी नाम है दोस्तों। इन्होंने अपने पोएम्स में इस नाम को मैंशन किया है तो ये याद रखना,
1934 में केरला के मालाबार में इनका जन्म हुआ था। कमला दास के पेरेंट्स भी पोएट थे, नेटिव लैंग्वेज में पोएट थे, तो उनके खून में पोएट्री थी। घर में ही उनकी पढ़ाई हुई थी और उनकी ग्रैंड मदर जो थी उनसे उन्हें बहुत प्यार था। कमला दास ने अपनी ग्रैंड मदर को अपनी पोएम्स अ हॉट नून इन मालाबार और माय ग्रैंड मदर्स हाउस में मेंशन किया है। इनकी, मैंने आपको बताया, स्कूल और कॉलेज की बजाय घर में ही एजुकेशन हुई थी। और ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग थी कि कमला दास के पेरेंट्स पोएट्स थे लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को एनकरेज करने की बजाय घर में ही एजुकेशन दे रहे थे। और इसके बावजूद उनकी 15 साल की कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई। उनके हस्बैंड का नाम था के माधव दास, तो उनका नाम शादी के बाद हो गया कमला दास। वो जाकर बॉम्बे में सेटल हो गई। इनके 3 बच्चे हुए। अपनी मैरिड लाइफ से ये खुश नहीं थी और इनकी इसी ख़राब मैरिड लाइफ का रिजल्ट थी इनकी पोएट्री। इनकी पोएट्री को आप पढ़ोगे तो आपको खुद कमला दास की लाइफ जीने को मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कमला दास के हस्बैंड बहुत ही अनकाइंड थे या फिर उनको फ्रीडम नहीं देते थे, बल्कि वो तो कमला दास के एक अच्छे दोस्त थे और उनको पोएट्री लिखने के लिए एनकरेज करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोएट्री में खुद लिखा है कि उन्हें फ्रीडम नहीं, लव चाहिए था। कमला दास की लाइफ का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क है उनकी स्टोरी, उनकी ऑटोबायोग्राफी माय स्टोरी, जो माय स्टोरी के नाम से पब्लिश हुई थी 1974 में। ये सीरियल से पब्लिश हुई थी दोस्तों। ये बहुत ही डेयरिंग वर्क था जो पहले मलयालम में लिखा गया था, बाद में कमला दास ने ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कमला दास शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी, प्रोज भी लिखती थी पोएट्री के अलावा, इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में। लगभग 11 बुक्स तो इन्होंने मलयालम में पब्लिश करवाई है, बाकी इंग्लिश में करवाई है। लेकिन फिर भी इंग्लिश हो या मलयालम, लिखती ये खुद के बारे में ही थी, ऑटोबायोग्राफिकल लिखती थी, ये खुद के बारे में लिखती थी। अब देखो, हो सकता है इनके एसेज के नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लगे। इनके एसेज होते थे आई स्टडीड ऑल मैन, व्हाट वुमेन एक्सपेक्ट आउट ऑफ मैरिज एंड व्हाट दे गेट, व्हाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड। तो ऐसे वर्क्स होते थे कमला दास के। शायद उन्हें अपनी पोएट्री लिखने में किसी भी टाइप की कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। देवेंद्र कोहली ने उनके लिए कहा है, कमला दास के लिए कहा है, करेज एंड ऑनेस्टी आर द स्ट्रेंथ ऑफ कमला दास। बाद में 1999 में इन्होंने अपना नाम बदल कर लिया था कमला सुरैया, यानी कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और 1964 में मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि ये द एशियन पैन एंथोलॉजी से इनको पोएट्री अवार्ड मिला था। 1969 में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको दिया गया था कोल्ड के लिए। ये कोल्ड मलयालम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था कमला दास का। इसके अलावा और कुछ ज़रूरी वर्क्स मैं आपको कमला दास के बताऊं, तो सबसे ज़रूरी वर्क है इनका समर इन कलकत्ता 1965, जिसमें लगभग 50 पोएम्स थीं और उन सब पोएम्स की थीम थी फेलियर इन लव। ये इनकी पहली बुक थी दोस्तों, द डिसेंडेंट्स 1967। ये द डिसेंडेंट्स जो है ये बड़ी ही साफ साफ शब्दों में लिखी हुई थी दोस्तों। जो कुछ कमला दास लिखना चाहती थी वो सब कुछ इसमें। इसके अलावा द ओल्ड प्ले हाउस 1973, और 42 की एज में आकर इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा डेयरिंग वर्क माय स्टोरी को पब्लिश किया था मलयालम में। मैंने आपको जैसा कि बताया, इसको पहले मलयालम में पब्लिश करवाया गया था, फिर बाद में इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था खुद कमला दास ने। इसको पब्लिश करवाने के बाद में कमला दास ने कहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्शनल थीं। इनकी एक और ऐसी ही ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है दोस्तों, एन इंट्रोडक्शन। इस पर भी ध्यान देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। 31 May 2009 75 की एज में पुणे में इनकी डेथ हो गई और इनको दोस्तों दफनाया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था 11 दिसंबर 1999 को 65 की एज में इन्होंने इस्लाम कबूला था, तो इनका नाम पड़ गया था कमला सुरैया। इसके अलावा दोस्तों 1984 में इनको लिटरेचर में नोबल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था, हालांकि मिला नहीं, शॉर्टलिस्ट किया गया था। 1985 में केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लिए इनको मिला था। और इनकी एक फेमस नोवेल भी है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1967 में पब्लिश हुई थी। इंग्लिश में ये अपने वर्क्स को कमला दास के नाम से पब्लिश करवाती थी और मलयालम में माधवी कुट्टी के नाम से पब्लिश करवाती थी। अब इनके अलावा इंडियन इंग्लिश पोएट्री में एक बहुत बड़ा नाम है एके रामानुजन, जिन्होंने अपने वर्क्स को इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में पब्लिश करवाया। ये पोएट के साथ साथ एक प्लेराइट भी थे और इन्हें संस्कृत, तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में भी बड़ा इंटरेस्ट था, खास करके संस्कृत लैंग्वेज में।
1999 में A.K. रामानुजन को दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनकी सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। 1929 में इनका जन्म हुआ था मैसूर में और 1993 में US में इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स की तरफ इनका इंटरेस्ट नहीं था बल्कि इनका इंटरेस्ट था इंग्लिश की तरफ। एजुकेशन हुई इनकी महाराजा कॉलेज मैसूर से। इनके फादर समझ गए थे कि इनका इंटरेस्ट साइंस की तरफ नहीं बल्कि इंग्लिश की तरफ है, तो ये पुणे गए। पुणे में और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में इन्होंने पढ़ाई की, PhD की। बेल्जियम में ये इंग्लिश के लेक्चरर बने और 8 साल तक इन्होंने महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 1962 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को ज्वाइन किया, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का काम ही इन्होंने किया है, US की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इंक्लूडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अपनी बहुत सारी पोएट्री इन्होंने अमेरिका में ही लिखी। अपनी शुरुआती पोएम्स इन्होंने कन्नड़ में लिखी और बाद में इंग्लिश में। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया और 1983 में, ध्यान देना दोस्तों, मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप इनको मिली। और 1993 में शिकागो में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद, ध्यान देना दोस्तों, इनकी डेथ के बाद 1999 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इनकी डेथ के बाद इनके सबसे नोटेबल वर्क्स है सेकंड साइट, सेलेक्टेड पोएम्स, रिलेशंस, द कलेक्टेड पोएम्स 1997, सेलेक्टेड पोएम्स 1976। बाकी बहुत सारे वर्क्स इन्होंने कन्नड़ में लिखे हुए दोस्तों। और एक बहुत ही फेमस ऐसे है इनका, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ये ऐसे है, A.K. रामानुजन ने इसको लिखा था। अगला बड़ा नाम है जयंत महापात्र का। दोस्तों इंग्लिश पोएट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है जयंत महापात्र का, जिनका जन्म हुआ था 1928 में। ये पहले इंडियन पोएट थे, ध्यान देना दोस्तों, ये पहले इंडियन पोएट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ऐसे तो R.K. नारायण थे जिनको सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, लेकिन पोएट्री के अंदर सबसे पहले इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दोस्तों। दोस्तों जयंत महापात्र कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इन्होंने अपनी पॉपुलर पोएम्स जैसे इंडियन समर और हंगर, ये जो पॉपुलर पोएम्स हैं, इनको इन्होंने ही लिखा है दोस्तों, जयंत महापात्र ने। दोस्तों ये दोनों वर्क्स इंडियन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिक्स माने जाते हैं। 2009 में इनको पद्मश्री मिला। ज़्यादातर प्राइज इनको 2009 में मिले थे, लेकिन ये पहले फिजिक्स पढ़ाते थे। मैं आपको बता दूं कि इनकी लाइफ जो है लिटरेरी करियर में, तो ये बाद में आए थे, पहले ये फिजिक्स पढ़ाते थे। A.K. रामानुजन इनके अच्छे दोस्त थे। इनका जन्म हुआ था एक ओडिया क्रिश्चियन फैमिली में। 2009 में पद्मश्री मिला, लेकिन इंडिया में जो इंटॉलरेंस बढ़ रहा था उसके चलते इन्होंने पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी और ये भी टीचिंग करियर में ही थे। ये पहले फिजिक्स पढ़ाते थे, मैंने आपको बताया। लगभग 1986 तक इन्होंने फिजिक्स ही पढ़ाई और अपना राइटिंग करियर बहुत ही लेट शुरू किया। और इन्होंने सबसे पहले जो अपनी शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स लिखी थी वो एक पब्लिशर को दी पब्लिश करवाने के लिए, लेकिन कई सारे पब्लिशर्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में यही वर्क्स इनके इंटरनेशनल लिटरेरी जर्नल्स में पब्लिश हुए, जैसे द न्यूयॉर्कर का नाम आपने सुना होगा, उसमें पब्लिश हुए इनके वर्क्स। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों। इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम्स में इनको इनवाइट किया गया। 20 बुक्स इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी और 7 उड़िया में। इनके वर्क्स हैं ग्रीन गार्डनर, डोर ऑफ पेपर, द डांस ऑफ द पिकॉक जैसे बड़े बड़े वर्क्स हैं। और सबसे ज़्यादा नोटेबल वर्क है रिलेशनशिप। और ये वर्क रिलेशनशिप इनका इतना खास क्यों है, क्योंकि इस वर्क ने इनको, ये एक लॉन्ग पोएम थी मैं आपको बता दूं, और इसी वर्क ने इनको पहला इंग्लिश पोएट बना दिया जिसने 1981 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता। बाकी 2009 में मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्राइज इनको मिले थे, एलन टेट पोएट्री प्राइज और सार्क लिटरेरी अवार्ड, इसके अलावा पद्मश्री। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हद तक हेल्प मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।